हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बबता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो लग गई हूँ, सुबह का टाइम है किचन में और सुबह तो एक साइड मैंने रखा है कुकर में आलू बॉयल होने के लिए। आज मेरा मन कर रहा है दाल ना बनाऊँ, दाल खा खा कर मैं उब गई हूँ और मेरा मन कर रहा है मैं दम आलू बना लूँ। तो मैंने एक साइड रखा है आलू बॉयल होने के लिए, दूसरे साइड मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। बेटे जी मेरे पीते नहीं, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते, तो मैं बस यहाँ चाय में चाय पत्ती चीनी ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। अदरक तो वैसे भी नहीं डाल रही हूँ। अदरक क्यों नहीं डाल रही हूँ, बहुत गर्मी की वजह से अदरक आ ही नहीं रहा है, तो हस्बैंड अदरक नहीं ले आ रहे हैं। हाँ, और बहुत मिस करती हूँ अदरक को। ख़त्म हो रही है, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। हस्बैंड भी मैं बोल रही थी कि चीनी भी ले आना है, और यहाँ पे मैंने चाय भी रख दिया है करने के लिए। दूसरे साइड मैंने रख दिया है कुकर में आलू बॉयल होने के लिए। मैं आज सोच रही हूँ कि मैं दम आलू बनाऊँगी, क्योंकि दम आलू 2-3 दिन हो गया है खाए। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो चटनी बनाए थे, ये चटनी आज बिल्कुल परफेक्ट हो गई होगी खाने के लायक, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गया। और चलिए इसमें डाल देते हैं दूध वगैरह, तो चाय फटाक से बना लेते हैं और बेटे जी के लिए बना देते हैं पराठा। और यहाँ पे हमने मैदा है, मैदे इसके नीचे है आटा, और ये देखिए आटा भी है नीचे में। तो बेटे के लिए 2 पराठा बना देते हैं, वो उनका तबीयत जो है नहीं ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से तैयार आटा नए सिरे से करूँगी। हाँ, तो एक ही कटोरी में 2 तरह के आटा क्यों निकल रहे हैं, एक मैदा का और एक मतलब गेहूं का। और मैंने कल शाम को आटा रख दिया था, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं ढेर सारा बर्तन जो है खुद से ही वॉश करती हूँ, और ये सारे वाटर वगैरह हैं। और इसके बाद हमने बनाया रोट, यहाँ पे आलू छीलना है मुझे, और आलू मैंने बॉईल कर दिया। कहते हैं ना कि दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो वैसे ही दाने दाने में लिखा होता है कि आज क्या बनेगा। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो छोटा मोटा काम होता है बर्तन वगैरह का, वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के भरोसे रह जाएंगे तो वो हमारे घर के काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे जैसे छन्नी वगैरह है, तो ये सारे हम अपने से धुल लेते हैं, पीढ़ा और बेलन जो है ये सारी, और बॉटल भी लगे हाथ हम धो देते हैं। छोटे मोटे बर्तन अगर मैं सब रखती रहूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाएगा, इसलिए मैं जो भी रहता है सोचती हूँ वो भी इंसान है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना उनके भरोसे मैं छोड़ दूँ ना, तो वो 2 दिन में काला कर देंगी, क्योंकि इतना अच्छा सा क्लीन नहीं करेंगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं जो चूल वगैरह है इसको भी बड़े ध्यान से मांज रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के मांजा है। और मेरे मन में ये लग रहा है कि 2-3 दिन बाद के हमको धुलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने छोटा मोटा देखिए, छोटा मोटा देखने में लग रहा है मैं कितना सारा बर्तन धुली हूँ। यहाँ पे चिमटा है, देखिए स्टील का चिमटा, उनसे बहुत अच्छे से नहीं छूटता है, तो मैं बीच बीच में ना धुलूँ तो शायद है कि मेरे चिमटे मेरे बर्तन जो है बहुत ही अच्छे से दिखने लगेंगे, ब्लैक ब्लैक से डार्क ब्लैक। और यहाँ पर ट्रे वगैरह भी हम उनके भरोसे छोड़ दिए थे, तो साइड साइड के चारों कोना जो है वहाँ पे हाथी नहीं पहुँचता था। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन मैंने धुले हैं सारे बर्तन को हम यहाँ पे जितने भी मतलब मांजे हैं और सारे बर्तन को अच्छे से धुल लेंगे। बॉटल वगैरह भी लगे हाथ हम धुल लेते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे कंटेनर रहते हैं वो भी धुल लेते हैं, उनको भी दे देते हैं तो वो भी धो देती हैं। लेकिन ये है कि जैसा कि कभी अच्छा धुलती हैं कभी जल्दबाजी कर देती हैं, धुलती हैं अच्छा लेकिन कभी जल्दबाजी कर देती हैं, तो फिर मैं सोच एक छोटा मोटा काम हम खुद से ही कर लेंगे। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने कितना सारा बर्तन धुला है, और पैसा भी देती हूँ और बर्तन भी धुलती हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना सारे बर्तन मैंने वॉश किया है। अब इस सारे बर्तनों को जगह पे लगा दूँगी, जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे रख दूँगी, तो जगह जो है हमारा अच्छा सा दिखने लगेगा, जो हमारे जगह का स्पेस है जो फैला सा दिख रहा है वो सही से दिखने लगेगा, और सामान अपने अपने जगह पर हो जाएंगे, तो ये लगेगा कि हाँ किचन मेरा समेटा हुआ लगेगा। और वैसे भी अब ये देखिए कुछ पलटा यहाँ पर रख दे रही हूँ, छन्नी है यहाँ पर रख दे रही हूँ, जो चिमटा है यहाँ पर रख दे रही हूँ, जो जहाँ पर है
है उस चीज़ को वहाँ पर रख देंगे। मेरा आप पिंक वाला ट्रे देख लीजिए, अगर उनके भरोसे मैं छोड़ देती ना तो मेरा पिंक वाला जो है काले के रूप में बदल जाता है। और यहाँ पे पूजा का जो बर्तन है वो भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो आप देख लीजिए एक पूजा का बर्तन जो है इस टोकरी में है, छुट्टू से टोकरी में, तो यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहे थे जो भगवान जी का बर्तन है इसमें है, जो हम लोगों का बर्तन है इसमें है। तो अभी ये सारे बर्तन भी हमें यहाँ से हटा लेना है क्योंकि ज्योति आ जाएंगी, तो उनसे उनके आने से पहले मैं सोचती हूँ सारे काम ख़त्म हो जाएं, जैसे बर्तन वगैरह हैं उनका काम जो है ना रुके। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो कहीं और भी काम करती हूँ, मेरे घर में लेट हों और वो दूसरी जगह पहुँचने में लेट हो जाएं। और फिर उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, बॉटल वगैरह, हालाँकि मैं अपना ही काम कर रही थी, दूसरा का नहीं। और सोचते हैं कि इंसान तो इंसान है, चाहे कोई भी हो, थक भी जाता है, लेकिन हाँ एक बात तो है, अगर आप पैसा किसी चीज़ का दे रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ का इंसान को समझना चाहिए, किसी चीज़ का तो हम पैसा हमको मिल रहा है, हमारा घर इसी पैसे से चल रहा है, इतना तो समझना चाहिए। तो सुबह के टाइम अगर चार पैर हो तो भी हम औरतों को कम हो जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए एक काम के बाद एक काम ऐसे रहता है कि जैसे बुलाता है कि हाँ आ जाओ मेरे पास भी, आ जाओ मैं भी हूँ, मेरे पास भी आ जाओ मैं भी हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बॉटल भर लिए और बॉटल को फ्रिज में लगा दिए। तो जो भी मतलब काम था, जैसे खाली बॉटलें थी, वो सारा चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। हालाँकि मैं गाढ़ा का पानी पीती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन अब मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे पीते हैं और बच्चे भी भरते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी बॉटल का हम ही भरते हैं क्योंकि किचन में हम ज़्यादा रहते हैं। तो हमको पता है कि बॉटल खाली है, ये वाला रैक हम नहीं साफ़ करे हैं फ्रिज का, बाकी तो हम फ्रिज की साफ़ सफाई कर दिए। और यहाँ पे श्रेया लगा दी थी हमको मेहंदी, और बड़ी अच्छी सी चुन के लगाई थी, अच्छा भी लग रहा था। अब मेरा काम जो है हो गया है किचन का काफ़ी हद तक खाली, और उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ, क्या कर रही हूँ। लेकिन एक बात तो है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं वीडियो में अभी आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आरओ का पानी हम इकट्ठा करते हैं और हम इसका जैसे चाहें तो इसको नाली में लगा सकते हैं, इसका पूरा का पूरा पानी वेस्टेड चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, ये सारे बकेट का पानी जो उठा के वॉशरूम में ले जाएंगे, नहा भी सकते हैं, कपड़े भी वॉश कर सकते हैं। दो बकेट पानी हम ले गए और आधी बकेट पानी यहाँ पे अभी बचा है, मतलब ढाई बकेट पानी यहाँ पे वेस्ट हो जाता है एक बार आरओ भरने में। और इसके बाद जब आरओ का पानी हमने खाली कर लिया और बकेट लगा दिया है, तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर से लग गए अपने काम में। यहाँ पे हम पूरे बर्तन जो है सेट कर देंगे स्टैंड पे, बर्तन स्टैंड पे, और हमारा टोकरी जो है खाली हो जाएगी। जब भी ज्योति आएंगी और अपना काम इत्मीनान से करेंगे, हम अपना निश्चिंत रहेंगे कि हाँ टोकरी खाली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टोकरी नहीं खाली होती तो इधर उधर बर्तन जब रखा जाता है तो फिसलने का पूरा पूरा चांस रहता है, डर लगा रहता है कि कोई फिसल जाएगा तो उसकी चोट जरूर लग जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसरोल भी हम स्टैंड पे लगा दे रहे हैं, सूख गया है बर्तन, जो सुबह शाम का बर्तन, जैसे शाम को जो 5 बजे धुलती हैं तो वो सुबह में हम रख देते हैं या फिर 10 बजे तक सूख जाता है। तो इस तरह से करके एक एक टाइम का बर्तन कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे टोकरी में पड़ा रहता है, उसके बाद हम स्टैंड पे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टोकरी का बर्तन है अगर उलट के रखा गया है तो सूख जाता है। ये कटोरिया उलट के नहीं रखी थी, इसमें पानी बराबर से पड़ा हुआ है, इसको मैंने नहीं रखा है। और यहाँ पे छोटा मोटा जो छन्नी वगैरह का पलटा है, ये सारी चीज़ें हम जगह पे रख देंगे। तो ये है सुबह का काम। सुबह का काम आप समझ लीजिए कि हम पूरा, अगर अभी और भी बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर ली हूँ ख़त्म हो गया है। तो ये है जो मैं बर्तन धुली थी तो सूखा था, तो हमने सोचा पहले ये बर्तन हटा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रखूँगी बर्तन जो हमने धुला था। तो यहाँ पे जो भगवान जी का बर्तन था, जो पलटा वगैरह था, छन्नी था, ये सारी चीज़ें हमने जगह पर लगा दी। सिर्फ स्टील का बर्तन जो है, और वही देखिए यहाँ पे कितना काला पड़ा है, और इतना मेरे रगड़ के धुलने के बाद भी। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो भी जितने भी कंटेनर हैं, जो भी मैंने धुला है,
सारा लगा दूंगी टोकरी में रख दूंगी, तो जब तक ज्योति आएंगी तब तक इसका पानी जो है निचुड़ जाएगा, या तो वो हटा देंगी या तो मैं हटा दूंगी या तो फिर इसी में रखा जाएगा, तो फिर कोई फ़र्क नहीं है, गीला तो है ही। और उसके बाद हम यहाँ पे जो ट्रे में लगा के बर्तन रखे थे इसको भी हम टोकरी में नहीं रख देंगे, और वो भी हम ख्याल करके पलट के रखेंगे, क्योंकि पलट के रखने से बर्तन जो है बहुत अच्छे से सूख जाएंगे और गीले नहीं रहेंगे। फिर मुझे स्टैंड पर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि आरओ का पानी फिर से मैंने चला दिया था, तो आरओ का पानी मज़े के भर गया, थोड़ा सा खाली है, और दूध रखा है उसको भी हमको बॉयल करना है। तो छन्नी जो टोकरी है सब्जी वगैरह का, तो उसको भी हम यहाँ फ्रिज पे रख देते हैं। अब चल रहे हैं फिर से किचन में दूध लेके इसको रखेंगे बॉयल होने के लिए, जब तक ये बॉयल होगा। और हम यहाँ पे सोच रहे हैं वीडियो इन कर दें, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हम फिर से मिलेंगे, बाय, टेक केयर, थैंक यू। इसके आगे के वीडियो हम इसी चैनल पर शेयर कर देंगे, बाय।